सर स्वागत है आपका हमारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा टॉपिक है मुद्रा और साख। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम ये जानेंगे कि मुद्रा क्या है, मनी क्या है एंड रुपीज क्या है, एंड अगेन हम इसमें जानेंगे कि साख क्या है। साख मतलब लोन लेने का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, हम दो तरीके के लोन्स के बारे में बात करेंगे चैप्टर में, फॉर्मल इनफॉर्मल। इसके साथ हम ये बात करेंगे कि मुद्रा का क्या इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि जब हम पैसे की बात करते हैं तो हम बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य तो पैसा होता है ना। अब अगर ये क्वेश्चन किया जाता है हम पढ़ते क्यों है। ठीक है, आप भी सोचिए, मजबूरी में आप पढ़ रहे हैं, रीजन कुछ होगा तो ये वही होगा कि आप पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यानी जब हम मुद्रा की बात कर रहे हैं तो मुद्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और टाइम टू टाइम इसमें क्या आता गया, चेंजिंग आता गया। चेंजिंग से मेरा मतलब पहले ये सोने चांदी या पीतलों के ऊपर लोहे के ऊपर हुआ करते थे, बट आज के टाइम में ये बदल चुके हैं। ठीक है, आज के टाइम में आपको कैसे नोटों पे देखने को मिल रहा है ना, तो मुद्रा इस पर टाइम कैसा होता गया, चेंज होता चला गया है। ठीक है, तो इसलिए ये जानने का बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि भाई मुद्रा है क्या। ऐसे मुझे खांसी हो रखा है थोड़ा सा, ठीक है, तो बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहेगा। तो मुद्रा जनरली क्या है, तो हम इस पर बात करेंगे इस चैप्टर में, एंड अगेन हम ये डिस्कस करेंगे कि मुद्रा के जो कौन कौन से मेन आधुनिक रूप है जो आज के टाइम हम यूज कर रहे हैं, पिछले के टाइम में क्या था, एंड हम ये बात करेंगे जो बैंक है वो ऋण संबंधी गतिविधियां यानी कि लोन लेने का जो प्रोसीजर्स है वो क्या है, क्योंकि एक जो बैंक है वो क्या है, बिचौलिए का काम करते हैं। ठीक है, बिचौलिए मतलब जो ऋण ले रहा है, मतलब जो लोन ले रहा है और जो पैसा जमा कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब एक चीज मान लो क्या है, वो बैंक है, यानी कि एक बिचौलिए का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम इस पे भी थोड़ा सा बात करते हुए चलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो मुद्रा है, मुद्रा और साख ये पढ़ने वाले आज हम लोग। मुद्रा जो है क्या है, सबसे पहले मुद्रा को अगर आप बात करेंगे तो मुद्रा जो है टाइम से टाइम ये कैसा होता गया, चेंज होता गया। ठीक है, समय के साथ बदलाव, देखो जो मुद्रा है क्या है, समय के साथ बदलाव आया है इसमें। अगर आप अर्ली टाइम की बात करें, इंडिया के प्राचीन टाइम की, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक की बात करें, तो प्राचीन टाइम की जब आप बात करेंगे, अर्ली टाइम की बात करेंगे, तो पहले जो आज जिस तरीके से आज हम नोट की बात करें, 2000 नोट की या 1000 के नोट की, या फिर बट आज के टाइम में तो 1000 का नहीं है ना, 500 के नोट्स की, 100 के नोट्स की, 50 के नोट्स की, तो आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं पहले ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले के टाइम में जो राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, यानी कि उस टाइम में राजा ही हुआ करते थे, तो राजा बेसिकली नोटों की जगह पे उनकी प्रायोरिटी या जो भी थी किस पे थी, सिक्कों पे होती थी, और सिक्के किस से रिलेटेड होते थे, सोना से, सोना चांदी तांबा या पीतल से रिलेटेड उस टाइम में सिक्के वगैरह हुआ करते थे, जिससे जनरली वो पैसे का इस्तेमाल करते थे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ लेना होता था तो जनरली क्या उसी सिक्कों को लेके जाता था और बदले में उसे उचित मिलता था। लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव आता गया तो चीजों में भी परिवर्तन आते गए, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक साथ साथ पर्यावरण, तकनीकी परिवर्तनों के साथ लोगों ने सिक्के का मतलब इम्पोर्टेंस जो है कम होता चला गया। बट एज पर टाइम अगर आप अभी की बात करेंगे तो अभी जो मुद्रा का जो रूप है वो किस में आ गया, करेंसी में आ चुका है, प्रेजेंट टाइम है। और अगर कोविड के टाइम के बाद की बात करेंगे तो पहले कोविड से पहले की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको करेंसी देखने को मिल जाता था, बट अगर आप प्रेजेंट की अभी की बात करेंगे तो आपके टाइम में जो ज्यादातर चीजें क्या हो गई, डिजिटल हो गई है, कि अगर आप चीजों को भी पेमेंट कर रहे हैं वो आप डिजिटल वे में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप मतलब अभी के जो करेंसी वगैरह उसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज अगर आप चाहे तो डिजिटल लेन देन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बैंकों के साथ जुड़े हुए। लेकिन क्या पहले भी ऐसे ही था क्या, राजा वगैरह भी वो भी क्या फोन पे या फिर गूगल पे या ये सब यूज करता था क्या कोई राजा? अगर किसी राज्य को दूसरे राज्य को पैसा भेजना था तो क्या राजा फोन पे करता है क्या? पहले ऐसा नहीं था, तो पहले वो सोना चांदी के बाद क्या करते थे, यानी कि इनकी चीज काफी इंपॉर्टेंस था, बट समय का उसमें बदलाव आता गया। अब मुद्रा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, एक आपको पता है नाम है क्या,
वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली को आपको पता है, जिसमें हम जनरली क्या करते हैं, मान लो जैसे कि मैं खुद हूँ, मान लो मैं गेहूं का उपजा एक खेती करता हूँ जिससे मेरे को गेहूं बहुत ज्यादा होता है, और वही दूसरा व्यक्ति जो है जैसे कि आप खुद हैं, आप अगर खेती कर रहे हैं, आपके पास अगर मैं मान लेता हूँ कि गन्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, मेरे पास क्या हो रहा है, गेहूं काफी ज्यादा हो रहा है, आपके पास गन्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको गेहूं की जरूरत है और मुझे गन्ने की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना कुछ गेहूं आपको दूंगा, बदले में आप अपना जो गन्ना है वो किसको देंगे, मुझे देंगे, तो यही क्या कहलाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम में जो पैसे की अगर बात करेंगे, रुपए की बात करेंगे, मुद्रा की बात करेंगे, उसका इम्पोर्टेंस उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि लोग क्या करते थे, जिनको जिस चीज की जरूरत होती थी वो आपस में ही साझा कर लेते थे, शेयर कर लेते थे, बस इसी से काम चलता था। लेकिन समय के साथ मैंने बताया कि आर्थिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी परिवर्तन के साथ साथ लोगों में उस वस्तु विनिमय के जो सिस्टम था वो क्या होता गया, एज पर टाइम खत्म होता चला गया, ठीक। और आज के टाइम में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता शहरों में, गांव में आज भी हम इसको देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति पे, यानी कि जो खेत में काम कर रहा है या फिर जमींदार है, अगर उसके पास गेहूं काफी ज्यादा हो रहा है, तो आज भी वो इस तरीके के सिस्टम को राशन के दुकानों पे आज भी अपनाता है, वो अगर गेहूं लेके चला जाता है, बदले में उसे चीनी ले लेता है, ठीक है, या फिर चावल ले लेता है या कुछ और चीज ले लेता है, जितना उसका रेट होता है उस हिसाब से, ठीक है। तो वस्तु विनिमय में समझ में आया आपको कि चीजों को शेयर करना, मान लो मैं गेहूं वाला हूँ, आप गन्ने वाले हैं, तो अब मुझे गन्ने की जरूरत है बट आपको गेहूं की जरूरत है, तो आप जनरली क्या करेंगे कि मुझे गन्ना दे देंगे, बदले में मैं आपको क्या दे दूंगा, गेहूं दे दूंगा। तो यही जो सिस्टम था वस्तु विनिमय प्रणाली था, बट आज के टाइम में ये खत्म हो गया, लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, आज भी गांव में ये आज भी चल रहा है, यानी कि जिसके पास किसी चीज में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूं चावल किसी भी चीज का, वो चीज दे के बदले में कोई नया चीज किसी दुकान वाले से या किसी भी व्यक्ति से ले लेता है जिसको चीज की जरूरत है, ठीक है। बट आज के टाइम में ये बहुत रेयर होता है, कम होता है। ये मुद्रा क्या है, ये समय के साथ बदलाव आया है, पहले सोना चांदी तांबा इससे बना होता था, आज इसके रूप में परिवर्तन देखने को मिला है, और मानव के लिए बहुमूल्य है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी लेना है, कुछ भी खाना पीना है, कुछ भी करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए। अगर आपके पास मनी नहीं है तो क्या आप उस चीज को ले पाएंगे क्या, तो बिल्कुल भी आप नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमारा इसका जो है क्या है, काफी इम्पोर्टेंस है। एंड अगेन 2016 की आपको आपको ये बात याद होगा, जब नोटबंदी का टाइम था, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने किस किस नोट पे बैन कर दिया था, ठीक है, 1000 के नोट्स थे और भी एक नोट मुझे खुद भी याद है, तो उसको उन्होंने बैन कर दिया था। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट इस चीज को बंद कर देती है, इसका मतलब क्या होता है कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, ठीक है, यानी कि मान लो आज 2000 का नोट्स है, काफी टाइम तक इसको ये ऐसे चल रहा है, बट अगर कोई गवर्नमेंट अभी वाली नहीं, अब वाली तो बंद नहीं करेगी, बट आने वाला कोई गवर्नमेंट आके इसको बंद कर देती है, तो इनका मेन फोकस किस क्या होगा, मेन फोकस ये होगा कि नोट को चेंज करने का मतलब क्या होता है कि भ्रष्टाचार जो है उसे कम करना, ठीक है। तो यही भी जो समय की सरकार है उसका भी यही मोटो था जब नोटबंदी का टाइम आया था, कि जो भ्रष्टाचार है उसे क्या करना, कम करना, जो ब्लैक मनी है उसे बाहर निकालना, ठीक है, इस तरीके के इनका मेन पर्पज था। लेकिन उसी टाइम से अगर आप बात करेंगे, जिस टाइम नोटबंदी हुआ था, उस टाइम में गवर्नमेंट ने लोगों को प्रोत्साहित किया, यानी कि लोगों को में अवेयरनेस लेके आए कि आप डिजिटल बैंकिंग में आ जाएंगे, मतलब डिजिटल बैंकिंग कीजिए, नेट बैंकिंग कीजिए, लाइक तभी से आप अगर आप जनरली समझे तो फोन पे, पेटीएम वगैरह या फिर जो दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पैसे को ट्रांजेक्शन करते हैं वो स्टार्ट हो गया, और जो बैंक भी है एक तरीके से क्या होता गया, एज पर टाइम वो डिजिटल होता चला गया। यानी कि इस टॉपिक में ये बताया आपको कि विमुद्रीकरण क्या होता है, जब कोई सरकार जो है पैसों में पैसों को चेंज कर देती है उसे जनरली क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। और विमुद्रीकरण करने का मेन पर्पज क्या होता है, तो मेन पर्पज ये होता है कि भ्रष्टाचार जो है उस पर क्या किया जाए, उसको लगाम लगाया जाए, जो करप्शन काफी ज्यादा है, यानी कि जो भ्रष्टाचार उसको कंट्रोल कर देना है, इनका एक मेन पर्पज होता है। ओके, सो समझ में आया मुद्रा क्या है। एंड दूसरा आपके टॉपिक में है साख। साख मतलब जनरली आप लोन की बात कर सकते हैं, लोन क्या है, तो लोन दो तरीके के लोन्स हैं इसमें। लोन जनरली आप किसी से जो ले रहे हो, बेसिकली जनरली लोन है, उसका आपको ब्याज वगैरह पे करना होता है। तो जो साख है दो तरीके का, एक औपचारिक है एक अनौपचारिक है, यानी कि एक फॉर्मल है जो आप बैंकों से जाके ले लेते हैं, बदले में आपको जो भी देना है वो देते हैं। एंड एक होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब आप अपने रिलेटिव से जाके लोन ले लेते हैं। लेकिन जो इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में पीपल कौन से लोन को ज्यादा पसंद करते हैं, औपचारिक को या अनौपचारिक को, ज्यादातर लोग आज भी बैंकों के उलझन में फंसना नहीं चाहते, तो आज भी जो लोग हैं वो अनौपचारिक जो ऋण है, अनौपचारिक जो साख है, इस पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, यानी कि अपने रिलेटिव से जाके पैसे ले लेते हैं, बाद में नहीं देते तो पीट देता है आके, तो इज्जत तो खत्म हो जाती है उसकी, है ना। तो आज भी जो लोग हैं वो अनौपचारिक चीजों पे ज्यादा फोकस है अकॉर्डिंग टू औपचारिक पे, ठीक है। औपचारिक आज भी लोगों का फोकस कम है, अनौपचारिक पे ज्यादा है।
इसके साथ जो हमें डिस्कस करना है वो करना है मुद्रा जो है विनिमय का एक माध्यम है, ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है, ये आपके बुक में भी ये टॉपिक है। तो मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है, क्योंकि अगर आपके पास, मैंने बताया कि मुद्रा है तभी आप किसी चीज को ले पाते हैं, अगर मुद्रा आपके पास नहीं है तो क्या चीजों को लेने में आपके पास प्रॉब्लम्स आएगी कि नहीं आएगी? तो ऑब्वियसली आएगी। अगर मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, बट वहां से यहां तक के जाने का मान लो जो फी है, यानी कि जो किराया है, वो आपको कितना लग रहा है? 50 रुपीज लग रहा है, बट आपके पास नहीं है, तो क्या आप यहाँ से वहां तक जा पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। अगर आपको भूख लग गया, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, क्या अगर आपके पास पैसे नहीं तो क्या आपको खाना मिल पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो मुद्रा जो है विनिमय का एक माध्यम है, यानी कि अगर आपके पास मुद्रा है, मनी है, तो आप किसी भी चीजों को ले सकते हैं एंड गेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जब आपके पास क्या है, मुद्रा है। तो मुद्रा जो है एक विनिमय का काफी एक इम्पोर्टेंट माध्यम है, और ये नया माध्यम नहीं है कि पहले लोगों को फ्री में मिलता था चीज, नहीं, पहले जो चीज थी वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ मिलती थी, बट आज के टाइम में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो मुद्रा के रूप में हो गया, यानी कि अब आप जब पैसे देते हैं तभी आपको चीज मिलता है, क्योंकि टाइम बदल चुका है, क्योंकि आप पहले की तरह और ये टाइम में नहीं दे रहे, ठीक है। आज आप आज के इंडिया में जी रहे हैं जो एक आधुनिक इंडिया है, ठीक है, बट आप एक प्राचीन भारत की बात करेंगे तो आप उसमें नहीं जी रहे कि आप गेहूं दे देंगे एंड आप कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। दूसरा है मुद्रा के जो आधुनिक रूप है, इसमें क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो, नहीं लिखता हूं, जब हम मुद्रा के आधुनिक रूप की बात करते हैं तो मुद्रा के दो आधुनिक रूप है, जो पहला है वो क्या है, करेंसी, और दूसरा क्या है, चेक, तीसरा भी आप ले सकते हो, वो आपका डिजिटल, डिजिटल मुद्रा के आधुनिक रूप में आप करेंसी, चेक या डिजिटल मुद्रा को ले सकते हो। करेंसी क्या है, पहले के टाइम में मैंने बताया कि सोना चांदी तांबा से बना हुआ हमारे पास रुपए वगैरह होते थे, बट आज ऐसा नहीं है, आज जो करेंसी हमारे पास है, चाहे वो 50 का है, 10 का है, 20 का है, 500 का है, 2000 का है, तो आज के टाइम में करेंसी है। और ये जो करेंसी का जो प्रोसेस है, अगर चाहो तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, कहीं आपने रात में अनाउंस कर दिया मोदी जी की तरह कि नोट बंद हो चुका है, आप अनाउंस नहीं कर सकते, ये अनाउंस करना जो वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर में आता है, हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। इसके साथ जो करेंसी वगैरह पे मेन फोकस किसका होता है, आरबीआई का होता है, एंड पहले क्या जो सोना चांदी तांबा से बना हुआ था, क्या उस पर भी आरबीआई का फोकस होता था क्या? नहीं, तो उस पर किसका होता था, जो राजा का, जो राज्य का एक राजा होता था उसका फोकस होता था, बट प्रेजेंट टाइम में जो करेंसी वगैरह पे मेन फोकस इसका आरबीआई का है। पहले की तरह जो सिक्का है जो सोना चांदी तांबा के नहीं है, बट उसका जो साइज है स्टील या फिर लोहे के, इन सब के बनने लगे, ठीक, और मेन कागज वगैरह का बनने लगा। दूसरा आता है आपका चेक, चेक को भी हम एक मुद्रा के आधुनिक रूप में मानते हैं, ठीक है, क्योंकि चेक के द्वारा क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है, चेक में कुछ बताया गया नहीं है कि आपको बताया जाए, क्योंकि आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल ने, आप लोगों ने चेक को देखा होगा कि चेक जनरली है क्या, नाम कहाँ भरते हैं, डेट कहाँ भरते हैं, सिग्नेचर कहाँ है, कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन भरना है, तो वो भी एक तरीके से क्या है, पैसे के रूप में ही काम करता है, क्योंकि जब तक आप उसको साइन करके दे रहे हैं, यानी कि आपने मान लो मैंने एक चेक आपको भर के दिया 5000 का, एक पैसे की तरह तो काम करेगा, जब आप बैंक लेके जाओगे तो आपको 5000 तो मिल जाएंगे ना, अगर मैंने 6000 का भरा तो मिल जाएगा, अगर मैं खाली लेके जाऊँगा तो तब भी आपको मिल रहा है क्या? नहीं ना, सिग्नेचर चाहिए ना मेरे उस पे, तो ये भी एक आधुनिक रूप में काम कर रहा है। और प्रेजेंट टाइम में डिजिटल मुद्रा है, ये भी मुद्रा के एक आधुनिक रूप है, लाइक आप फोन पे यूज कर रहे हैं, आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, या भारत पे यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, ये डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। इसके साथ एक नया ट्रेंड आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो ये भी मुद्रा का एक आधुनिक रूप है, लेकिन पहले के टाइम में ये नहीं था, बट आज के टाइम में ये है। और लोग मुद्रा का एक इम्पोर्टेंस यही है कि आप विनिमय का एक मुख्य माध्यम है, जब तक आपके पास मुद्रा नहीं है आप किसी चीज को नहीं ले सकते, कुछ परचेज नहीं कर सकते, मुद्रा है तभी आप किसी को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें तीसरा टॉपिक डिस्कस करना है, और यह है कि बैंक जो है, बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां क्या है, सिंपल वे में समझो कि जो बैंक है उसके ऋण संबंधी गतिविधियां क्या है। मान लो एक व्यक्ति, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने बैंक में जाके पैसे को जमा कर दिया, ठीक है, अब बैंक मुझे उसके बदले क्या देगी, ब्याज वगैरह देगी। अब एक व्यक्ति वो है जो जिसने बैंक से क्या ले लिया, ऋण ले लिया, यानी कि जाके क्या ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है। अब उस व्यक्ति को बैंक को क्या देना पड़ेगा,
ऋण देना होगा, मतलब जो ब्याज है उस व्यक्ति को देना होगा कि नहीं, ऐसे समझो। मान लो मैं हूँ यहाँ पे बैंक में, यहाँ पे एक व्यक्ति है, मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो बैंक मुझे क्या दे दिया, ब्याज वगैरह दे दिया। वही एक व्यक्ति है जिसने बैंक से ही उनका पैसा ले लिया है, जिसे लोन कहते हैं, लोन ले लिया है, अब क्या बैंक उसको ब्याज देगी, नहीं, यही व्यक्ति उसको बैंक को क्या देगा, ब्याज देगा, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति है जमा करने वाला और एक व्यक्ति है पैसे को लेने वाला, बीच में कौन है, बैंक है। यानी कि बैंक बिचौलिए का काम करता है, लाइक ब्रोकर का काम करता है, किस किस के किन लोगों के बीच में, एक जो जमा कर रहा है उसके बीच में और दूसरा बैंक से जो पैसा ले रहा है उनके बीच में, जो बैंक है इस तरीके से ब्रोकर या फिर बिचौलिए का काम कर रहा है, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जितना ही पैसा लोग व्यक्ति जमा करते हैं कैसा बैंक में रखा जाता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बैंक में सिर्फ उतने ही पैसे रखे जाते हैं जितने की बैंक को नीडेड होती है, और हर बैंक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, बट जो आरबीआई है उनके उसके अकॉर्डिंग जो जनरली है कि जो पूरे पैसों का 15% जो पैसा है बैंक अपने बैंक में रखती है, ठीक है। मान लो जितना ही पैसा है उसका सिर्फ 15% अपने उसमें रखेगी, क्योंकि जो लोग आते हैं हर लोग निकालने नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ लोग जमा करने भी आते हैं तो कुछ लोग निकालने भी आते हैं, जिससे बैंक अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन जब कोई हाँ तो मान लो कोई किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो बैंक उसको क्या देती है, ब्याज देती रहती है, ठीक है, उसने पैसा जमा किया। वही जो व्यक्ति जो है बैंक से क्या ले लेता है, लोन ले लेता है, उस व्यक्ति को ही बैंक को क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो ये व्यक्ति ज्यादा ब्याज देता है और जो बैंक है जमा किए वाले जो व्यक्ति है उसको बैंक जो है क्या देती है, कम ब्याज देती है, ऐसे समझो। मान लो मैंने पैसे को जमा कर दिया किसके अंदर, बैंक के अंदर, मुझे कम ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर मैं लोन लेके बैंक को मैं पैसा दे रहा हूँ ब्याज के साथ, तो बैंक मेरे से ज्यादा पैसे देती है, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट कहाँ है, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों, जब आप बैंक से ऋण लेंगे लोन लेंगे तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलता हो। लाइक आपने कभी लोन लिया हो या फिर आपके पेरेंट्स लिया किसी भी लोगों ने, तो लोन के साथ साथ वो उसमें ब्याज वगैरह भी देते हैं, ठीक है। तो जमा जो जमा व्यक्ति करता है उसको तो कम मिलता है, पर जब हम बैंक से ऋण लेके उसको देते हैं ना बैंक को, तो हमें तो ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो ये बैंक की ऋण संबंधी गतिविधि कि बैंक किस तरीके से ऋण को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, मुद्रा क्या है, मुद्रा का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, एस्पेक्ट टाइम, अलग अलग समय के साथ मुद्रा में क्या आता गया, बदलाव आता गया, एंड अगेन हमने डिस्कस किया साख क्या है, ठीक है। साख में हमने बात किया कि भाई लोन लोग कैसे लेते हैं, लाइक औपचारिक अनौपचारिक, हल्का से डिटेल बात नहीं किया, हल्का से ही बात किया हुआ है। एंड अगेन हमने डिस्कस किया कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम कैसा है, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी क्या है, चेक क्या है, डिजिटल मुद्रा क्या है। करेंसी में मैंने आपके साथ बात किया, पहले सोना चांदी तांबे की चीज होते थे, बट आज के टाइम में कागजों के लोहे की ऐसी चीज आने लगे हैं। एंड अगेन मैंने चेक का बात किया, जो आप कागज आपने देखा होगा किस तरीके है, वो भी डिजिटल पैसे का आधुनिक रूप है मुद्रा का। इसके बाद मैंने डिजिटल मुद्रा का बात किया, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया फोन पे के बारे में, पेटीएम के बारे में, भारत पे, गूगल पे एंड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में, ये डिजिटल मुद्राएं हैं। एंड अगेन हमने डिस्कस किया कि बैंक के ऋण संबंधी गतिविधियां क्या है, बैंक किस तरीके से लोगों को ऋण देती है, एंड ब्याज वगैरह किस तरीके से लेती है, ये बैंक का है। एंड जो ये हमारी वीडियो पार्ट वन है, एंड जो सेकंड जो वीडियोज है उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसकी कुछ डिटेल पार्ट, जो जिनमें हम जनरली आपके साथ डिस्कस करेंगे कि साख क्या है, एंड साख के जो दो टाइप्स हैं, उनके फॉर्मल से एक इनफॉर्मल है, यानी कि औपचारिक अनौपचारिक, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ उसमें हम डिस्कस करेंगे दो केस स्टडी, यानी कि एक व्यक्ति ऋण ले रहा है, लोन ले रहा है, लेकिन वो किस पे लोन ले रहा है, फॉर्मल तरीके से ले रहा है, यानी कि बैंक में जाके ऋण लेता है। एक व्यक्ति जो है ऋण तो ले रहा है, बट वो कैसा ले रहा है, इनफॉर्मल तरीके से ले रहा है, इनफॉर्मल मतलब अपने रिश्तेदारों से ऋण जाके ले रहा है। तो ये हम समझेंगे कि जो व्यक्ति है फॉर्मल से ज्यादा इम्पोर्टेंस इनफॉर्मल को क्यों देते हैं, हम इसको समझेंगे इस चैप्टर में। इसके साथ हम ये जानेंगे कि जो आज जितने भी विलेजेस हैं वो एक तरीके से क्या है, आत्मनिर्भर के उस पे, तो उन सब विलेजेस में जनरली क्या है, स्वयं सहायता समूह उभर कर आ रहा है। यानी कि वैसे जो महिलाएं हैं वो 8-10 जने का ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है, वो 20-30 रुपए जमा करती हैं, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करता है, एरिया का डीएम पंचायत भी सपोर्ट करते हैं, और एक स्वयं सहायता समूह बना लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऋण चाहिए तो लोग आपस में ही दे देते हैं। तो इस पे हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। इस वीडियो में तो जनरली हमने डिस्कस किया कुछ ही पॉइंट्स थे, जो स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स थे, एंड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपके जो बचे हुए जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।